अखिल बैंड ढोल समिति जिला नरसिंहपुर के द्वारा आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। गोटे गांव तहसील जिला नरसिंहपुर से आए समस्त बैंड एवं ढोल संचालकों ने कलेक्टर महोदय से मांग की है कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमारा बैंड एवं ढोल का व्यवसाय जो कि हम लोग नहीं कर पाए हैं। वहीं अखिल बैंड ढोल समिति ने बताया कि हम लोगों के पास ना भूमि है और ना कोई ऐसा व्यवसाय है जिससे हमारा परिवार चल सके। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण हम लोगों का बैंड व ढोल बजाने का कार्य पूर्णतः बंद रहा है, जिससे बैंड व ढोल संचालक अत्यंत प्रभावित हुए हैं। वहीं अखिल ढोल बैंड समिति के द्वारा बताया गया कि 2 से 3 बार कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मदद नहीं मिली, जिससे हम लोग गोटे गांव से बार बार ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी को भी ज्ञापन सौंपा गया और उन्होंने आश्वासन दिया, और गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल को भी ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने भी कहा कि जो मदद बनेगी वह हम करेंगे। देखिए नरसिंहपुर जिले से संभागीय रिपोर्टर दशरथ वंशकार की खास रिपोर्ट। डॉक्टर महोदय कहाँ हैं, किस विषय में आए हैं? सर, हम लोग जिला समिति के हिसाब से ज्ञापन सौंपने के लिए आए। कलेक्टर महोदय जी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों की हम मदद करेंगे, और सांसद जी भी आए, उनको भी ज्ञापन सौंपा है, और कारोबार विधायक जी को भी ज्ञापन दिया है, परंतु हम लोगों को आश्वासन ही मिल रहा है, मदद नहीं हो रही। हम लोगों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि भुखमरी की कगार पे आ चुकी है हमारे, और हमारा एकमात्र जरिया बैंड ढोल बजाने का है, और दूसरा काम है बांस शिल्पकार के रूप में है, जो कि अब बांस भी नहीं आ रहा है। हमारे लड़का बच्चों की स्थिति, हमारे बैंड ढोल और समाज के स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। सरकार से हम यही गुहार लगाते हैं कि हम लोगों की मदद करें, हम लोगों की आर्थिक की स्थिति सुधरे, और हम सरकार से यही विनम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग गरीब जनता की सुने। आप लोग कितनी बार आवेदन दे चुके हैं कलेक्टर साहब को? कम से कम 2-3 बार आवेदन दे चुके हैं। इस पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कलेक्टर साहब ने किसी प्रकार की कोई चर्चा की है कि बैंड ढोल वालों की, समाज वालों की किसी प्रकार से कुछ मदद करें, कोई मदद की बात नहीं की है। आज आपने फिर ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर महोदय, तो आज क्या बोला उनने? आज कलेक्टर साहब ने बोला है कि हमने लॉकडाउन खोल दिया है, अब आप लोगों की स्थिति सुधर जाएगी, परंतु कैसे सुधरेगी? नवरात्रि का सीजन रहता था, उसमें हम लोगों का थोड़ी बहुत धंधा पानी चल रहा था, तो रोजी रोटी की स्थिति सुधर जाती थी, वो भी बंद करवा दिया है, तो अब हम लोग क्या करें? आज अपने राज्यसभा सांसद जी को ज्ञापन सौंपा कैलाश सोनी जी को, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने भी वो आश्वासन दिया है कि कुछ बात करेंगे, देखते हैं जो भी मदद बनेगी करेंगे। अच्छा अच्छा, नाम है आपका? हमारा दुर्गा प्रसाद। कहाँ से आए? हम गोटे गांव से। गोटे गांव से आए हैं आप? आज कलेक्टेड जो आज ज्ञापन दिया है आपने, इतनी दूर से आए हैं आप गोटे गांव से, किस विषय में? क्या जो हमारा बैंड जो बेकार था वो अभी मतलब बंद चल रहा है कोरोना महामारी के चलते, तो इसमें हमने कलेक्टर साहब को एवं राज्यसभा सांसद सोनी जी को और गाड़ावारा विधायिका जी सुनीता पटेल जी को ज्ञापन सौंपा है, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर विचार करेंगे और मतलब मदद करेंगे, परंतु हम लोग 2-3 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, हमें अभी तक कोई मदद नहीं मिली, और कोई ऐसा परिणाम देखने के लिए मिला कि साथ अच्छा हो, मतलब हमारे लिए बैंड पार्टी के लिए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग मुआवजे की मांग करना चाहते हैं, जो भी उचित हो उनके हिसाब से हम सब बैंड वालों को मुआवजा प्रदान करें।